हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? खूब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं रेडी हो गई हूँ उठ के। और अब मुझे क्योंकि जाना है एक जगह कहाँ जाना है मैं बताऊँगी थोड़ी देर बाद। उसके पहले चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मुझे लेट हो रहा है ना। तो रोज़ तो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम था 10-15 मिनट, 10-15 नहीं, ओनली 5 to 10 मिनट। तो मुझे लगा थोड़ा सा कुछ ठूस लेना चाहिए, तो मैं चल रही हूँ, ठूस लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ये चाय मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए और मैं आराम से पी सकूं। और ये एप्पल आज मैंने खाई, मतलब मोस्टली मैं ये खा लेती थी, सुबह सुबह यही खाती थी एक्चुअली, और कुछ नहीं खाती थी। पता नहीं हैवी हो जाता है ना, तो मैं खाऊंगी क्या आज? खाऊंगी ये चिल्ला, मुझे बहुत पसंद है। और चाय मैं पीती नहीं सुबह के टाइम पे, और नाश्ता भी नहीं करती, लेकिन ये जो है ना, ये देखने के बाद मुझे भूख लग जाता है, मुझे ये पसंद है। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। और ये तो रहा नाश्ता, और ये अपना डब्बा भी है, मतलब तो दो डब्बा, ये बाद में के लिए, मीन्स आफ्टरनून के लिए, और ये दो बॉटल पानी। तो मैं खाना खा ली, और ये जो मतलब ठूसने की पूरी तैयारी है, और ये जो बची हुई है इसको इसमें डाल देती हूँ मैं, और मीन्स ये लंच बॉक्स है, और पानी का बॉटल। तब ये तो सुबह सुबह उठ के मम्मी ही बनाती हैं, मेरा बस चले तो ऐसे ही दिन निकले, तो उन्हीं का देन है जो इतना भर भर के खिला देती हैं मुझे। तो ये आ गया इसमें, अभी इसका जिप करेंगे बंद। चलो तो बैग रेडी हो गया, अभी हम चलते हैं। नहीं नहीं कर लिया क्या मुन्नू? हाँ, सुबह सुबह नहीं नहीं कर लिया मेरे बच्चुआ? ठंड लग रहा है? जा रहे अब ना, बाय बाय। हाँ तो मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे आना था। तो अभी मैं आ गई हूँ मेरे स्कूल जहाँ पे मैं टीचिंग करती हूँ, और ये मैं आ गई अपने ऑफिस में, और ये रहा टीचर रजिस्टर। यहाँ मैं अपना अटेंडेंस दूँगी, मीन सिग्नेचर करूँगी, और यहाँ से चुपचाप निकलते हुए लूँगी। तो मैं आ गई बाहर, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर क्लासरूम में। ओके, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखते हुए थोड़ा सीढ़ी चढ़ उतरा करें, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो चलिए सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर चले आए हम। और आते ही आते ही होनहार चरण लोगों का दर्शन हुआ सुबह सुबह। तो इन लोगों को मॉर्निंग विश नहीं करना है, पहले पहले इन लोग को करना है कंप्लेन। तो ये इन लोग की कुछ कंप्लेन आते आते सुनी मैंने। अब चलो ऊपर चलते हैं। ये इनका पता नहीं क्या, ये बगल में जूनियर बच्चों का क्लास चल रहा था, तो अभी मैं आ गई मेरे क्लास में। तो अभी मैं ये बच्चों को प्ले करा रही हूँ, 15 आवर्स के लिए मैं इन लोग को रेडी कर रही हूँ। तो अभी आप लोग इनका सॉन्ग देखें, आई मीन सॉरी सॉन्ग नहीं, परफॉर्मेंस देखें। परफॉर्मेंस देख के मुझे बताइएगा कि ये कौन सा सॉन्ग है। ओके, गेस करिए कौन सा सॉन्ग है, और मुझे बताइए कमेंट करके। उस टाइम पे बच्चे काफ़ी कम थे, अभी सारे आ गए, और बाकी दूसरे क्लास में भी गए हैं प्ले करने। ये देखो कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्लास में बैठी हुई हूँ और बोर हो रही हूँ बिकॉज यहाँ बच्चे हैं नहीं। देखो बच्चा कोई है ही नहीं यहाँ पे, और ये रजिस्टर वगैरह कुछ देखना था तो मैं देख रही थी।
क्या बोर हो रही थी मैं बैठ के, और फ़ोन वैसे तो अलाउड है नहीं मेरे स्कूल में, बट आज क्योंकि ये प्ले वगैरह कराना था ना, लाइक प्रैक्टिस वगैरह कराना था, तो मैं आज लेके आ गई। वैसे मैं फ़ोन लाती ही नहीं हूँ, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ऐसे स्कूल दिखाऊँ या फिर ऐसे मतलब डेली रूटीन पर ब्लॉग बनाने का, बट हो ही नहीं पाता था। पहली बार तो रात भर फ़ोन चलाऊँ, उसके बाद फ़ोन चलाने के बाद सो जाऊँ, सुबह बैटरी वैसे डाउन होती, अभी भी 20% ओनली बैटरी है, ठीक है। तो अच्छा सूट पे मैं लग कैसी रही हूँ पहन जी टाइम, मतलब ऑकवर्ड बड़ा, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं आपको कैसी लग रही ऊपर ही बताना जरूरी, ओके चलो। आवाज़ आ रही है, छोटे जूनियर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, सब छोटे बच्चों को चिल्ला रहे हैं। चलो मिलते थोड़े देर बाद। ये देखिए ये टीचर जी की राइटिंग है, इसके लिए बताइएगा प्लीज़ ज़रूर कि ये कैसी है, ओके। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और मैं आ गई हूँ जिम। तो ये रहा मेरा शूज़, देखिए मैं कैसे लेके आती हूँ शूज़ जिम। मैं बैग लेके नहीं आती बिकॉज लगता है ना शो ऑफ क्या ही करना, वेट वेट लॉस होने नहीं है, झूठ मूठ के लोगों को तो लगेगा नहीं जिम जा रही है, कहीं और ही जा रही है घूमने, कोई मतलब नहीं है, शूज़ यहाँ पर रखो चुपचाप चले आओ। तो मैं 1 बजे स्कूल से छूट जाती हूँ 1 बजे ही, बट यहाँ आते आते मैं घर पर गई चेंज की तो यहाँ पर 1:30 बज गया। और ये है अपना सुंदर सा जिम, मैं आ गई और यहाँ पर मैं निकालूँगी स्लीपर्स, पता नहीं किस किस के हैं पहले से रखे हुए यहाँ पे। तो चलिए अभी आते हैं अंदर, इंटर करते हैं। ये था दोनों चेंजिंग रूम है और मैं यहाँ बैठ के शूज पहन लूँगी देन अंदर जाऊँगी, ओके। तो ये है अपना जिम। सुंदर है ना, अभी तो इसमें आधी मशीनें यूज़ नहीं की मैंने। और ये देखिए जादू, जादू करके ऐसे ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा करूँगी वर्कआउट यहाँ पे फॉर लेग। दोन साफ साफ दिख रहे हैं मेरे, ठीक है। मेरे खाने में बिल्कुल कंट्रोल नहीं। हाँ मैं जिम चली जाती हूँ, अभी देखती हूँ कब तक मैं कर पाती हूँ बिकॉज टाइम मिलता नहीं है ना मुझे, स्कूल से तुरंत यहाँ जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। तो मैं आ गई हूँ जिम से घर, अभी अभी आई हूँ और मैं फिर से रेडी होंगी कहाँ जाने के लिए, मतलब जाऊँगी तो फिर बताऊँगी आपको। आप देखते रहो, वीडियो देखते रहो, पता चलता रहेगा कहाँ पे घूम रही हूँ क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो थक गए बहुत ज़्यादा, वैसे तो जिम करने के बाद तो लोग थकता ही है ना। चलो ठीक है, अभी अगेन डाउन हो गया या बैटरी हो गया, फिर से मैं इसको चार्ज में लगाऊँगी, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा फिर मैं जाऊँगी, ठीक है। फिर दिखाती हूँ मैं कहाँ घूमती हुई फिरती रहती हूँ, पर बताती हूँ, तब तक लेकर कटा नहीं, अभी बस 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ, और मेरे जाने से पहले इनको पता चल जाता है कि हाँ मैं जा रही हूँ। तो ये देखो मुझे टाटा बोलने के लिए निकल के आगे बढ़ी, चलो मनु जा रहे हैं, बाय बाय, बाय मनु। क्या हुआ, जा रहे हम, टाटा। तो मैं ऑन द वे हूँ, मुझे जहाँ जाना था मैं जा रही हूँ, अभी बच रहे हैं 4, ओके। और ये है बहुत ही इधर से, और ये देखिए ये मैं आ गई दूसरे कॉलोनी में, और यहाँ पे पता एक मेहंदी का पेड़ है, और इतने अच्छी जगह मेहंदी का पेड़ है कि इसके बावजूद मैं यहाँ पे एक बार ही आई थी मेहंदी का पत्ता लेने, दिख रहा है वो पेड़ वहाँ पे, ये देखो नीचे कितना कूड़ा फेंका है, लेकिन मैं आई थी फिर भी यहाँ पे लेने मेहंदी। तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने, और ये देखो टाइम नहीं था, एप्पल में लेके आई हूँ हाथ में, मैं खाते खाते जा रही हूँ, खाने का टाइम नहीं था। यहाँ इतना वर्कआउट कर रही हूँ, एप्पल खा रही हूँ, लेकिन जैसे वहाँ जाती हूँ मैम चाय दे देती हूँ मुझे, पहले ग्रीन टी पिलाएंगे उसके बाद चाय भी पिला देती हैं। वैसे मैं ऑल टाइम स्कूटी से घूमती रहती हूँ, बट अभी मैं पैदल जा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा पैदल वॉक करना जरूरी है, जब तक लेट होता है तभी मैं स्कूटी से जाती हूँ। अभी तो 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगी, पास में ही है। तो मैं अभी आ गई हूँ ट्यूशन पढ़ाने और यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनेगा। और ये देखिए दुर्गा कुंड का जो झूला लगा है वहाँ पे मैं पहुँच गई, मैं अभी आ रही मतलब आ गई हूँ गोदलिया घूमने के लिए। और ये देखिए मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पार्किंग एरिया में आ रही हूँ, जो ये लिफ्ट के जरिए नीचे ऊपर जाते हैं ना फ्लोर पे,
ओनली ग्राउंड फ्लोर नहीं, सेकंड फ्लोर तक है यहाँ पे पार्किंग एरिया। तो मैं वहाँ पे आ गई। यहाँ पे देखिए सारे लिप्स से बाइक आ रही है ना बाहर, तो मैं भी मेरी गाड़ी से आई थी। ये देखिए गोदौलिया मार्केट दिख रहा है ना, तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी सी करेंगे शॉपिंग, घूमना फिरना, उसके बाद अभी टाइम हो रहे हैं 7 बज रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे घर पे जाएंगे, फिर घर का काम देखेंगे इधर क्या करना है। अभी तो फिलहाल सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम लिफ्ट है, लेकिन आते टाइम आप स्वयं आए, सीढ़ियों के द्वारा आए। और यहाँ पे सब लघु शंका कर रहे हैं, बहुत गंदा स्मेल कर रहा था उधर। और यहाँ पे पता है हेलमेट भी नीचे रख सकते हैं आप। ये आ गए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे हेलमेट भी जमा हो रही है। यहाँ देखिए लाइन में लगे हुए लोग। उसके बाद मैं घर पे आ गई। घर पे ये सारे थोड़ा बहुत काम, मतलब सारे तो नहीं, ये सारे जो काम है, ये सारे काम करने के बाद अभी खाने का टाइम हो गया। मेरा भाई घर पे आया हुआ था, तो उसके लिए मैं अभी खाना लगा चुकी हूँ, अभी मैं उसको खिलाऊँगी। और ये है 56 भोग तो नहीं है, लेकिन जो भी है यही है। अनफॉर्चुनेटली आज यही बना हुआ, अनफॉर्चुनेटली। हाँ नहीं तो कुछ इससे भी अच्छा बनाया जा सकता था। और ये देखिए टाइम कितना हो रहा है, मतलब 11 मीन्स 11 तो बज रहा है, मान लेते 10:30 बज रहा है, लेकिन एक लोग को घूमने जाना है अभी अभी, ये लास्ट ड्यूटी बची हुई है, ठीक है। तो आओ चलो, ये रेडी हो चुकी है। और मैं घर पर 9 तक लगभग आई थी, 7 घूमने गई थी। ऐसे थोड़ी चलना, मतलब पिनो ब्रांड से उसको कुछ कुछ सामान लेना था, मुझे कुछ लेना नहीं था। अरे तो मैं गई थी, मतलब पिनो फोन के लिए टेम्पर्ड एंड ये बैक कवर, बस ये 2 चीज ली थी। तो देखो ये उछलते कूदते आ गई बाहर, ये क्या, अच्छा ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। ये ऑलवेज रेडी रहती है, ठीक है, अपनी गली के कुत्ते जो ही घर पे आते हैं गेट पे खाना खाते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या दिखाती रहती है, सबसे भिड़ती रहती है, इसलिए इसको ज़्यादा दूर मैं टहलाने नहीं लेके जाती हूँ रात में, या फिर मॉर्निंग में तो मम्मी लेके जाती, मैं नहीं लेके जाती हूँ, तो ये झगड़ती रहती है। देखो है नहीं, तुम नहीं करो, चलो चलिए। तो चलिए अभी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इनको टहला घुमा के लिए जाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते पिलाते इनको, और खुद खाते पीते और सोते हैं। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।